जो अजमे इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट हुई है उसके सिलसिले में मैं चाहता था कि कोई वजाहत भी कर दूं और आपके कुछ सवालात जो हों उनके भी मैं जवाब दे दूं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये इसको कंपेयर किया जा रहा है मैं ज़र्ब अज़ब से या राह नजात से या रद्दुल फसाद से, उन ऑपरेशंस की नौइयत जो थी वो मुख्तलिफ थी। लेकिन ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके खिलाफ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, और ये भी टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला इसका आगाज़ किया जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में सबसे पहली बात है कि ये एक प्रोग्राम बनाया गया है या एक ब्रॉड कंसेंसस इसके ऊपर एक्शन कमेटी जो है इसकी जो आज से तकरीबन आप कह लें कि 8 साल पहले जब दिसंबर 2016 में वाकया हुआ था APS का, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया था और उसके लिए तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो थी ऑन बोर्ड थी उस वक्त और आज की जो सिचुएशन में एक बड़ा एक बुनियादी फ़र्क है। उस वक्त बड़े इलाके जो थे जिसमें सवात भी शामिल था, मौजूदा जो उस वक्त का ट्राइबल एरिया फाटा जो है और आज इंजमाम हो चुका है उनका, वो उन पे कब्ज़ा जो है एक किस्म का हो चुका हुआ था टेररिस्ट का। उनकी प्रेजेंस इस तरह की थी कि वहाँ पे पूरे पूरे इलाके जो थे वो दिन रात के लिए नो गो एरियाज बन चुके हुए थे। आज वैसी सिचुएशन कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाके जो हैं वो चाहे वो बलूचिस्तान है या फ्रंटियर है उस पर पाकिस्तान की रिट मौजूद है। रात को बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जिनके में जो है वो डीआई खान में या उसके गिरदनवा में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तालिबान जो है उनके इन्फ्लुएंस है, या बलूचिस्तान में BLA वगैरह जो है किसी ऐसे वक्त जो है रात के वक्त या किसी और वक्त में को कार्रवाई कर लें। नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी टेरिटरी जो है उसके ऊपर उनका खुदा नखास्ता कोई टेररिज्म या टेररिस्ट की जो है कोई रेट एस्टेब्लिश हुई हो जिसको हम डिमोलिश करने की या जिसको ख़त्म करने की हम उसका आगाज़ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर है उस रिजॉल्व की या जो भी तय पाया था 2016 के बाद उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये जो रिवाइव हुआ है नेशनल एक्शन प्लान के साथ तहत जो एपेक्स कमेटी बनी हुई है उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। बर्री और एयरफोर्स और नेवी के सरबरा उस दिन नहीं थे, लेकिन एयरफोर्स के और बर्री अफवाज के सरबरा मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे और कैबिनेट के अराकीन भी थे। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। मैं ये खदशात जो हैं बाज़ क्वार्टर से जो है वो उनका इजहार किया जा रहा है, ये खदशात दुरुस्त नहीं है। इन ऑपरेशन में या उन ऑपरेशंस में जो मैंने जिनका नाम लिया है, राय नजात, रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब जो है उसमें ये एक बड़ा बुनियादी फर्क। आपको याद होगा कि सवात उन सारे का सारा जो है उसमें गवर्नमेंट की रेट जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त। इसी तरह ट्राइबल एरिया में भी खर्चे बाज नहीं, बहुत से इलाके थे।
आज ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो मैं ये बुनियादी फ़र्क जो है इसका, दूसरा ये है कि ये तमाम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुज़र के जो है इन्फोर्स होगा। इसके बाद ये काबीना में, आज काबीना के एजेंडे पे मैं इधर आया हूँ, आज काबीना में ये पेश होगा, उसके बाद इस पर हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी, उस पर एक कंसेंसस जो है हाउस की जो है वो उसको बनाया जाएगा, कंसेंसस को जो अपोजिशन है, अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं, जो दूसरी इतिहादी पार्टीज़ हैं हुकूमत की जो है, उन सब को जो है सैर हासिल बहस का जो है वक्त दिया जाएगा, और जो भी उनके सवालात हैं या जो भी उनकी तश्वीश है उसका जो है खातर ख्वाह जवाब भी दिया जाएगा। ये कहना जी कि डिमांड की जा रही है, ये किसी वक्त भी ये सोच भी नहीं थी कि हम ये सिर्फ नेक्शन एक्शन प्लान की जो कमेटी है वो फैसला कर लेगी तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पहले भी ये असेंबली में गया था 2016 में, अब भी जाएगा, उस वक़्त कंसेंसस क्रिएट हुई, हम भी कोशिश करेंगे कि इस वक्त भी इसके ऊपर कंसेंसस हो। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तश्वीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तश्वीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे, और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अजायम नहीं है इस ऑपरेशन के, सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं।